शंकर भोला शंकर, प्राणों में मेरे तुम हो समाए। चंदन धतूरा चंदन बन के चरणों में हम बिछ जाए। कृपा कर दो हे आदि योगी, योगी योगी तुम महायोगी। शत शत शाश्वत। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो ये हमारा दूसरा दिन है जागेश्वर धाम में, और आइए आपको मैं दिखाता हूँ अपना होम स्टे, जो मैंने होम स्टे यहाँ लिया है और कितने का पड़ा। और क्योंकि अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो काफ़ी रीजनेबल पड़ा है, तो आइए अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ ये अपना होम स्टे जो मैंने लिया है जागेश्वर धाम में। ये देखिए, ये हमारा होम स्टे है जागेश्वर धाम में। ये बेड, छोटा सा होम स्टे है, और ये सामने बैठने के लिए, ये सामने वॉश बेसिन, ये सामने वॉश बेसिन, और ये सामने वॉशरूम, और ये सामने किचन। तो ये देखिए पूरा व्यू अंदर से होम स्टे का। काफ़ी अच्छा है और रीजनेबल है हमें। और ये जो होम स्टे हमें पड़ा है, ये पड़ा हमें अभी 600 रुपये का, और ये महीने चल रहा है दिसंबर। तो आप अगर आप सीजन में आएंगे तो ये आपको 700 से 1000 तक के बीच में पड़ेगा, तो अभी काफ़ी रीजनेबल है, तो इसलिए हमें ये 600 का पड़ा। तो चलिए चलते हैं जागेश्वर में, घूमते हैं और यहाँ के आसपास के विजिटिंग प्लेसेस। तो चलिए चलते हैं, और अभी हम जा रहे हैं ब्रह्म कुंड की ओर। थोड़ा सा अपने ऊपर जल छिड़केंगे और फिर करेंगे अभिषेक। भोले शंकर का दूध हमने ले लिया आधा किलो, और ये सामने जटागंगा, ये सामने जागेश्वर, और ये ऊपर कुबेर मंदिर। तो चलिए चलते हैं आगे ब्रह्म कुंड की ओर। और ये रहा ब्रह्म कुंड, यहाँ पे हमने अपने ऊपर छींटे मार लिए हैं। ये देखिए ब्रह्मकुंड है ये, तो जागेश्वर महाराज जी के दर्शन करने जाएं तो यहाँ से आप स्नान करके, या अगर स्नान नहीं कर सकते तो अपने ऊपर थोड़ी सी हल्की हल्की छींटे मार के जाएं। तो चलिए चलते हैं आगे जागेश्वर महादेव की ओर और करते हैं अभिषेक। और ये सामने हनुमान बजरंगबली जी, और ये सामने जो जल्दी है, और आज है मंगलवार, और आज मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ बजरंगबली जी के। बोलिए जय बजरंगबली की जय। पर मंदिर में अंदर ये वाला थैली वाला दूध चढ़ाना भोलेनाथ को नहीं चढ़ाते हैं, यहाँ पे कहते हैं गाय का दूध चढ़ाते हैं, बट जैसे भोलेनाथ की इच्छा, अभी हमारे पास यही उपलब्ध है तो हम यही चढ़ाएंगे, और इसी से हम अपने भोलेनाथ की सेवा करेंगे। तो आइए शिवो शिवो हो, शिवो शिवो हो, शिवो हो, शिवो 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 हो, शिवो शिवो हो, शिवो शिवो। अंतर मन में जाके देखो, शिव बैठे हैं भीतर।
श्वास श्वास को साध के देखो, शिव बैठे हैं भीतर, बैठे हैं बैठे हैं भीतर। योग से दम के मन सारा, शिवो शिवो शीतल हो जाए तन सारा, शिवो शिवो शत शत शाश्वत शिव हो, शिवो 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 आओ शिवो हम, आओ शिवो हम शिवो मेरे हृदय में, आओ शिवो हम शिवो हम। हमने यहाँ पे अभिषेक कर दिया है दूध का। तो अभी हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम से वृद्ध जागेश्वर की और तो ये 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता है और ये जागेश्वर वाली रोड है वो सामने, वो देखिए टेंपल, और इसी रोड से आपको पैदल रास्ता तय करना है वृद्ध जागेश्वर की ओर। और आप गाड़ी से भी जा सकते हैं। गाड़ी से आपको जाने के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा रथवाला, फिर उससे जाना पड़ेगा पनरौला। तो पनरौला से 6 किलोमीटर की दूरी पर है वृद्ध जागेश्वर, तो उससे बेटर है कि आप पैदल रास्ता तय करें अगर आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और करते हैं 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग वृद्ध जागेश्वर की ओर। तो ये देखिए वृद्ध जागेश्वर ट्रैक, यही रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है। 3 किलोमीटर का ट्रैक है, सिर्फ 3 किलोमीटर का, तो आप इजीली कर सकते हैं पैदल ट्रैक। तो चलिए चलते हैं, 3 किलोमीटर का ट्रैक करते हैं और चलते हैं वृद्ध जागेश्वर। तो यही रास्ता है, 3 किलोमीटर का ट्रैक है वृद्ध जागेश्वर की ओर। तो यहाँ पे पाथ बना हुआ है तो आप इजीली जा सकते हैं जंगलों के बीच में होते हुए और नेचर का मजा लेते हुए वृद्ध जागेश्वर की ओर। तो चलिए चलते हैं, बोलिए हर हर महादेव। तो ये खड़ी चढ़ाई है वृद्ध जागेश्वर की ओर 3 किलोमीटर की ओर। तो जो भी ओल्ड हैं तो वो गाड़ी से जा सकते हैं, बाकी जो चल सकते हैं वो यहाँ से ट्रैक करके ऊपर 3 किलोमीटर का ट्रैक करके पहुँच सकते हैं वृद्ध जागेश्वर और नेचर का मज़ा ले सकते हैं। देखिए काफ़ी सुंदर है, ये देखिए कैक्टस का पेड़ है और नीचे से हम उस रोड से आए हैं और अभी हमने थोड़ा सा ही ट्रैक कंप्लीट किया है और चलते हैं आगे। और ये यहाँ पर हार्ट शेप में एक पत्ता मैंने तोड़ा एक पेड़ से वृद्ध जागेश्वर ट्रैक की ओर। और ये बीच रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, इन नज़ारों के बीच देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे हैं और बीच में एक मंदिर, ये देखिए। और हमने ये 1.5 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया है, अभी 1.5 किलोमीटर और बचा हुआ है और ये सामने हमारे पीछे कुत्ता आ रहा है, ये हमें आगे तक ले जाएगा, पूरा ट्रैक करवाएगा ये कुत्ता हमें। दो किलोमीटर का ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी बचा हुआ सिर्फ 1 किलोमीटर वृद्ध जागेश्वर। और ये देखिए ये वैली कितनी सुंदर है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं ट्रैक पूरा वृद्ध जागेश्वर का, बोलिए हर हर महादेव।
देवदार और चीड़ के घने वृक्ष और सुंदर वैली और सामने माउंटेन और ये ट्रैक और ये देखिए सुंदर सुंदर वृक्ष। और ये देखिए हम पहुंच गए काफ़ी ऊंचाइयों में और ये सामने माउंटेन्स, नज़ारा काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बढ़िया है ये देखिए। तो चलिए करते हैं अभी ट्रैक पूरा, अभी आधा किलोमीटर का ट्रैक और बचा हुआ है और फिर करते हैं दर्शन। ये सामने देखिए ब्यूटीफुल वैली और ये सामने क्लाउड काफी सुंदर है, ब्यूटीफुल। और बस 200 मीटर का ट्रैक बचा हुआ है, ये हम पहुंचने वाले हैं वृद्ध जागेश्वर। और ये देखिए आसपास का व्यू, हम काफी ऊपर आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं, हर हर महादेव की जय। और ये रास्ता देखिए, ये हम पहुंच चुके हैं वृद्ध जागेश्वर मंदिर। ये सामने माउंटेन्स और ये नज़ारा ये सामने, और अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे। ये हमने प्रसाद ले लिया है 51 रुपये का, अभी चढ़ाएंगे अभी हम ऊपर और करेंगे दर्शन वृद्ध महादेश्वर के। ये देखिए वृद्ध जागेश्वर महादेव। ये मंदिर परिसर का एरिया, जय पंडित जी, भगवान सुखी रखो, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। है ना महाराज? हाँ जी। ये जो है 7वीं सदी में नेपाली उदयचंद राजा को साक्षात दर्शन हुए थे यहाँ पर। हाँ जी। ये विष्णु रूपी शिव हुए, तो जो है राजा कहीं लड़ाई लड़ने जा रहे थे तो यहाँ आगे रुके, तो यहाँ पर उनको एक लिंग दिखाई दिया। मॉर्निंग टाइम वो यहाँ पर आए तो यहाँ लिंग से ज्योति प्रकट हुई, तो वो बूढ़े बाबा के रूप में परिवर्तित हो गए। उस भोले बाबा से राजा की बातचीत हुई, तो बातचीत हुई तो भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर तपस्या करी है विष्णु जी, फिर विष्णु जी यहाँ पर प्रकट हुए, शिव जी को वरदान मांगा शिव जी ने। तो जो महिलाएं जिनकी संतानें नहीं होती हैं, जो कष्ट में रहती हैं, उनके लिए लड्डू गोपाल रूप में यहाँ लड्डू गोपाल भी हैं। तो यहाँ पर विष्णु भोग लगता है मालपुए का, जैसे भगवान शंकर को दाल चावल लगता है, यहाँ मालपुआ लगता है, तो मालपुआ उसको सभी खा सकते हैं। तो यहाँ सुबह आरती, दिन में भोग, शाम की आरती हमेशा चलती रहती है। तो ये सिद्ध स्थान है, ये विष्णु रूप के सुबह 7वीं सदी में, इसके बाद जागेश्वर इसके बाद बना। ठीक है, ये 7वीं सदी का जागेश्वर इसके बाद में बना है। जी, इसके बाद में बना है। और ये मनोकामना का क्षेत्र हुआ, किसी की कोई मनोकामना है भगवान भोलेनाथ जो भी पूर्ण करते हैं। तो ऐसा है, यहाँ पर रुद्राभिषेक का विशेष महत्व रहता है। यहाँ पर कोई भी जब अनुष्ठान महामृत्युंजय काल चतुर्दशी जो भी है, ये सफलतापूर्वक होते हैं, आदमी को तुरंत फल मिल जाता है। ठीक है, धन्यवाद जी। बेटा बाबा भी कैचू जाओ, ये तो मुझे प्लेट दे दो, मुझे जाओ पैसे मोड़ो, लो पैसे दे बाबू, दे दो और पैर छू ले बाबू, जाओ जय हो, सुख शांति हो।
बाबा का आशीर्वाद रहे थे मुझे। जय भोले शंकर। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। ठीक है ठीक है, कभी करेंगे भगवान जब बुलाए। सही बात है बाबा, हम चढ़ के आए ऊपर, यहाँ से नहीं आए, गाड़ी से नहीं आए। अच्छा, ट्रैकिंग में, ट्रैकिंग में। ये सूचना पट वृद्ध जागेश्वर महादेव। तो जैसा कि अभी हमें स्टोरी सुन पाई है तो पता लगा यहाँ पे, तो ये जो मंदिर है सातवीं शताब्दी में बनाया गया है, तो इसके बाद ही जागेश्वर धाम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो बाकी अगर आप पूरी स्टोरी जानना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पर जाकर आप ये स्टोरी पढ़ सकते हैं। तो जब भी आप जागेश्वर धाम आएँ तो यहाँ पर वृद्ध जागेश्वर धाम के दर्शन करने जरूर आएँ। और ये देखिए आसपास का नज़ारा काफ़ी सुंदर है, एकदम प्रकृति से भरा हुआ। और ये सामने है नंदा देवी पीक, त्रिशूल पर्वत, और ये टोटल 7 पीक है, हिमालयन 7 पीक है टोटल। और ये सामने है त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पीक, और ये सबसे ऊपर है नंदा देवी पीक 25,465 मीटर की ऊंचाई पर, और ये टोटल 7 पीक है यहाँ पे हिमालय के। और ये सामने है वृद्ध जागेश्वर मंदिर, यहीं से देखता है हिमालय, एकदम साफ और क्लियर दिखाई दे रहा है हिमालय। ये देखिए एकदम साफ दिखाई दे रहा है हिमालय, और आपको हिमालयन पीक देखने हैं तो यहाँ पर दर्शन करने जरूर आए वृद्ध जागेश्वर महादेव मंदिर। तो अभी दर्शन करके हम वापसी आ रहे हैं नीचे ट्रैक से ही, और 3 किलोमीटर का ट्रैक है, और हम वापसी पहुंच जाएंगे आधे पौने घंटे के अंदर। ये देखिए बूढ़ा जागेश्वर, और पीछे ये ट्रैक का रास्ता, और ये सामने है गाड़ी का रास्ता। और चलिए चलते हैं आगे। बोलिए जय भोले शंकर। तो दोस्तों यहीं से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था वृद्ध जागेश्वर जी का। तो टोटल ये 3 किलोमीटर का ट्रैक हमने किया है, और हम यहाँ से चले थे 9:45 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 12, तो कम से हमें ऊपर पहुँचने में हमें जो टाइम लगा है वो लगा है हमें 1.5 घंटे के करीब, और नीचे हमें जो टाइम लगा है वो लगा है 1.25 घंटे के करीब। तो दोस्तों ये नज़र, ये रास्ता काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, एकदम प्राकृतिक रूप से है, और जो गाड़ी से अगर आप जाना चाहें तो गाड़ी से जाने का ये वाला रास्ता है। तो अगर आपको ट्रैक करना है तो ये 3 किलोमीटर का ट्रैक है, तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपके साथ ओल्ड पर्सन आपके साथ हैं तो उनको इस ट्रैक पर ना ले जाइए, क्योंकि ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई पर है, तो उनको तो बाय कार के थ्रू ले जाइए, क्योंकि कार यहीं से बुक की जाती है। तो दोस्तों चलते हैं फिर अपनी नई लोकेशन पर, नई प्लेस पर, नई डेस्टिनेशन पर।